हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है आपके पार्टनर के थॉट्स, उनकी करेंट एनर्जी। ठीक है, मैं यहाँ देखना चाहती हूँ रेत की भविष्यवाणी से कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं, क्या वो आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। तो अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो इनका इरादा क्या है आपको लेकर। ठीक है, इनका इरादा क्या है आपको लेकर, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका इरादा मैं देखना चाहती हूँ आपको लेकर कि क्या उनके थॉट्स हैं, क्या उनकी एनर्जी है आपको लेकर। ठीक है, चलिए यहाँ आपके लिए भी होगी, आपके पार्टनर की भी होगी। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, रिलैक्स हो जाए व्यूअर्स। वन मिनट, ये रिलैक्स पॉजिटिव हो जाए, रिलैक्स हो जाए। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, और वो आपके जो दिव्य शक्ति गाइड करें, देखिए पहला आपको मैं गाइडेंस देना चाहूंगी। हम सबको प्रोडक्शन जो देने वाले हैं एंजल्स, हमें बहुत गाइड करते हैं हर वक्त। ठीक है, इसलिए हमेशा साइन पर फोकस रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि एंजल्स को साफ सफाई बहुत पसंद है, पॉजिटिविटी बहुत पसंद है। ठीक है, यहाँ पे आपके अगर पार्टनर भी कहीं पे भी हो व्यूअर्स, अगर आप एंजल से हेल्प लोगे ना, वो 100% आपको हेल्प करेंगे और उनका मैसेज आप तक भी आएगी और आप अपना भी मैसेज पार्टनर तक पहुंचा सकते हो। यहाँ पे आपको एंजल से हेल्प लेने की जरूरत है। ठीक है, देखिए सिर्फ आप उनको आवाज दो, आपको कहीं ना कहीं साइन मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल दूं कि एंजल साफ सफाई पसंद करते हैं, थोड़ा सा परफ्यूम, डियो जो भी लगाना है, हमेशा साफ सफाई रखें, साफ सुथरा रखें, खुशबूदार रखें, ताकि एंजल्स और अट्रैक्ट हो, क्योंकि हमें वो अगर हर तरह से हेल्प करते हैं तो साफ सफाई पॉजिटिविटी के साथ अपने विचार को भी बिल्कुल पॉजिटिव बनाकर रखना है, तो एंजल्स बहुत जल्द आपकी मदद करते हैं। एंजल्स चाहते हैं कि आप उनको बुलाएं, हेल्प लें, वो आपको हेल्प करेंगे अगर आप उनको बुलाते हो तो। एंजल कोई शब्द कोई भाषा नहीं जानते हैं, वो आपकी परिभाषा जानते हैं, आपका अटेंशन जानते हैं, इंटेंशन जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, उनसे क्या बातें कर रहे हो, आपके भाव, आपके विचार। ठीक है, मैंने इतना आपको समझा दिया व्यूअर्स। ठीक है, चलिए ओम पीस और शांति बैलेंस के लिए। ठीक है, पीस और शांति बैलेंस के लिए, हमें स्ट्रेंथ में आने के लिए, इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंजल से बात करनी है, डिवाइन से बात करने के लिए, अपनी खुशियों को पाने के लिए, है ना, ओम चैंटिंग जरूर करें। माइंड बॉडी सोल बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा और आप पॉजिटिव फील करोगे, पीस और शांति बैलेंस आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं स्वास्तिक बनाती हूँ। सुख शांति और समृद्धि के लिए। ठीक है, ज्ञान बुद्धि हर चीज से भरपूर है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, रिलैक्स हो जाए। कृष्णा गाइड कीजिए, राधा रानी गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें, उनका इरादा देख रही हूँ क्या कुछ चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, जानती हूँ सच्चाई क्या चाहते हैं वो आपको लेकर। ऑल आर्कएंजल्स दिव्य शक्ति गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या वो फील करें मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या इरादा है, बात करेंगे, एक्शन लेंगे, कमिटमेंट देंगे, क्या कुछ करेंगे। एंजल्स प्लीज क्लियरिटी करें, एंजल्स ऑल आर्कएंजल्स दिव्य शक्ति गाइड करें, राधा रानी गाइड करें, कृष्ण गोविंद गाइड करें। चलिए सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक
के साचा दूजा ना को। वीवर्स, मैं जानती हूँ यहाँ जो जो भी भजन आया है वीवर्स, कहीं ना कहीं आपके प्योर सोल कहीं ना कहीं इस वक्त दर्द में है वीवर्स। तो आपके अंदर वो फीलिंग्स आ रही है, राम हो, कृष्णा हो, कोई भी हो, आपसे कहना चाहते हैं कि आप जितना उम्मीद रखते हो किसी से, जितना आपने किसी को प्यार दिया, सुख दिया, शायद आपको उतनी खुशियां नहीं मिल रही। तो सुख के वक्त में आपके साथ वो थे, जब आप दर्द में हो, पेन में हो, इंतजार कर रहे, तो वो आपके साथ में नहीं है। ये आपके पार्टनर के साथ नहीं होता है बाबू, ये हर इंसान के साथ होता है। इंसान किस तरह बदल रहा है, देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, तो वो वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे जो वाइब्स आई है ना व्यूवर्स आपकी, मैं उस पर बात कर रही हूँ बाबू। यहाँ पे मैं देख रही हूँ मेरी सोल सिस्टर, सोल ब्रदर्स, जो भी हो, आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड, सिंगल हो, कोई भी हो सकता है आप एज में छोटे भी हो, एज में बड़े भी हो, ठीक है, जो भी हो, जैसे हो, वो तो हमारे सोल सिस्टर ही, सोल ब्रदर्स ही, ठीक है। लेकिन जो वाइब्स आपकी आ रही है, कहीं ना कहीं व्यूवर्स, इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा मेंटल मतलब होता है स्ट्रेस बहुत दिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा। शुरू में ही वाइब्स मुझे आ रही थी, लेकिन एक बात बोलूं, कहा ना सुख के सब साथी दुख में न कोई। व्यूवर्स, आप फिर भी इस पर्सन के लिए दिल जान निसार करके रखे हुए आज भी। गुस्सा अपनी जगह है बाबू, गुस्सा अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह है। गुस्सा भी कितना भी कर लो, लेकिन हार कर आप उसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। खुद को मेंटल स्ट्रेस से निकालकर स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको इस वक्त व्यूअर्स पूरी तरह दिखिए, आप प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन कभी कभी आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी दिखती है, कभी कभी आप फिर बहुत लो हो जाते हो, ठीक है। मेंटल स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस पर्सन के लिए आप बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स रख रहे हो, बहुत ही ज्यादा। देखिए, आप कोशिश तो करते हो मूव ऑन करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा व्यूअर्स, आपसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा। मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद कहते हो ना मुझे वो चाहिए, किसी भी हाल में मुझे वो चाहिए। देखिए डियर, आप लोग जैसे भी मिले हो, जहां भी मिले हो, इस पर्सन ने आपसे मिलने के बाद कुछ समय के बाद इन्होंने चुप्पी साध ली, कंट्रोल कर लिया अपनी इमोशंस पर। और यहाँ पे तो आप जान ही रहे हो, प्रॉब्लम्स तो है ही इनके लाइफ में, थर्ड पार्टी इशू तो है। देखिए डियर, यहाँ पे बहुत के पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है, बहुत के पार्टनर मैरिड हैं। कुछ व्यूअर्स आप भी मैरिड हो, है ना। देखा जाए तो आप कमिटमेंट का वेट अब तक कर रहे हो, जहां की क्लियरिटी बिल्कुल नहीं मिल पा रही अभी। इस रिलेशनशिप में अभी भी बहुत सारे रुकावटें मुझे दिखाई दे रही है, काफी लंबे समय से, काफी लंबे वक्त से आप कमिटमेंट का इंतजार करो, उस पर्सन का इंतजार कर रहे हो। किसी के पार्टनर तो बिल्कुल खामोश चुप है, कोई एक्शन नहीं है। अब तक कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही। देखिए, इस जो भी आपके पार्टनर हो, इनकी जो सोसाइटी में कहो, या इनकी अगर अच्छी जॉब हो, इनको लोग बहुत लोग जानते हैं व्यूअर्स, इनके फेम, इनके नेम अच्छे हैं। आगे पीछे जैसे होते हैं ना लोग, आगे पीछे जी हजूड़ी काम करना, लोगों को घुमाना, लोगों को अपने इशारे पर बात मनवाना, लोग इनकी बात को मानते हैं व्यूअर्स। और इस बात का इस पर्सन में ईगो है, नो डाउट, इनकी अपनी पर्सनैलिटी का, अपने जॉब का एक होता है ना दिमाग में, वो चीज है। ऐसा नहीं कि इनके लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, है, लेकिन अपना जो दिखावा इनका होता है ना डियर, ये कभी दुनिया, सोसाइटी, समाज को ये नहीं दिखाते कि मैं दर्द में हूं, पेन में हूं, बीमार में हूं, या मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। देखने के कुछ और है, अंदर से ये कुछ और है। लेकिन इस पर्सन का इरादा है व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ने का, ऐसा है। बहुत के पार्टनर तो बिल्कुल चुप खामोश हो गए हैं, ठीक है,
या इनकी मैरिज हो चुकी है, व्यूवर्स मैं यहां बोलना चाहूंगी, यहां पे आपके पार्टनर की अगर किसी से मैरिज हो चुकी है तो मैं यहां बोल दूं ये आपकी मर्जी होगी, रुकना है आप रुको या फिर डिसीजन ले सकते हो। यहां पे मुझे जो एनर्जी दिख रही है मैं वहां का क्लियर कह रही हूं कि डिसीजन आपका होगा, आपको ठहरना है कि आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहां मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन एनर्जी है, बहुत ज्यादा। आपकी लाइफ रुक जाएगी और सामने वाला का लाइफ बहुत आगे चले जाएगा, फैमिली परिवार सोसाइटी समाज इमेज हो जाएगा। यहां पे कुछ की एनर्जी मैं देख पा रही हूं, अगर उनकी मैरिज हो चुकी है तो मैं यहां नहीं बोलूंगी कि आप यहां पे रुको, प्यार है उससे क्या हुआ, जीवन आपकी है, आप क्या चाहते हो, ये मैं आपको प्रश्न नहीं बोल रही हूं, ये जैसे जनरल रीडिंग होता है, जिन जिनको लेना है आप वो ले सकते हो, ठीक है। आपको डिसीजन लेना है, को किसी का घर हो गया वो लाख उपाय कर लीजिए, प्यार अलग है, फीलिंग्स अलग है, ठीक है, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन ये आपको एकदम से अभी कमिटमेंट की तो बात ही मत करो, ठीक है। ये सिर्फ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, जो भी हो ये सिर्फ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। व्यूवर्स यहां पे बहुत व्यूवर्स के लाइफ में कोई न्यू पार्टनर एंट्री किया या करने वाला है, अब आप डिसीजन भी लेने वाले हो, मैं बता देती हूं, कुछ व्यूवर्स आप डिसीजन लेने वाले हो अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, कुछ व्यूवर्स बहुत जल्द, अभी का भी मैं बात नहीं करूंगी, अब बहुत जल्द आप कुछ सोचोगे कि अपने लाइफ के लिए सोचना है, अपना भी फैमिली हो, घर हो, परिवार हो, अपना भी अच्छा करियर हो, तो आने वाले टाइम में इस वक्त तो आप कंफ्यूज हो लेकिन अब आप सोचोगे। तो यहाँ पे बहुत व्यूवर्स मुझे लग रहा है कि अब अपने लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, डिसीजन लोगे, क्योंकि आप थक चुके हो, वो डिसीजन नहीं सुना रहे हैं, उनकी भी फैमिली है, हो सकता है उनकी भी मैरिज या पेरेंट्स इशू, तो आप कब तक रुकोगे। लेकिन मेरे यहां पे कुछ व्यूवर्स आप डिसीजन लेने वाले हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सेलिब्रेट अपने लाइफ में करने वाले हो, ठीक है, डिसीजन लोगे। देखिए कभी भी आपने उम्मीद नहीं की थी, आप दोनों में इतना अनकंडीशनल लव था, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं था इतना उम्मीद से बढ़कर प्यार देने के बाद उम्मीद से बढ़कर आपको पेन मिला, दर्द मिला, ब्रोकेन ब्रोकेन हार्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग। देखिए ये पर्सन कभी रिग्रेट फील कर रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, फिर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। देखिए इनको अहम घमंड ईगो बहुत है, देखिए इस पर्सन में ईगो अहम घमंड बहुत है, कुछ लोग इनके आगे पीछे घूमते हैं, ये काम निकलवाना जानते हैं, इस बात का इनको गुरूर भी है कि लोग मुझे जानते हैं, मैं जो कहता हूं मैं जो कहती हूं वो सुनते हैं, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है। लेकिन इन्होंने आपको बहुत पेन दिया, चाहे जहां भी आप मिले हो, ऑफिस में मिले हो, कॉलेज में मिले हो, या आप एक साथ काम करते हो, या सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, लेकिन इन्होंने एकदम से आपसे झूठ बोला। इनकी मैरिज भी हुई है व्यूअर्स, या पहले से ये मैरिड है, इनकी फैमिली, इनके बच्चे भी हैं, कोई आपको प्रपोजल मुझे यहां पे दिख रहा है डियर, ठीक है, आपके लाइफ में कोई न्यू एंट्री कर रहा है, ठीक है, हो सकता है इसी में आप डिसाइड करो, ये भी हो रहा है, इसमें ही आप कोई डिसाइड कर सकते हो व्यूअर्स, लाइफ में आगे बढ़ने का, जीवन साथी के रूप में या फिर एक नए फ्रेंड के रूप में, कोई तो प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पर्सन रिग्रेट की एनर्जी में जरूर है व्यूअर्स, मैं यहां बोल दे रही हूं रिग्रेट की एनर्जी में जरूर है, लेकिन ये बहुत वक्त लेने वाले हैं। आप हो, कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि आप पाने के लिए कुछ भी कर रहे हो, मैं यहां वो भी देख रही हूं, पाने के लिए आप माफ भी कर दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आप में अगर पेशेंस होगा तो आप वेट कर सकते हो, नहीं तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ये आपकी मर्जी है, डिसाइड तो आपको करना है, क्योंकि आपके पार्टनर अगर देखा जाए तो प्रॉपर ढंग से ये डिसाइड तो नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक मौका चाहिए आप तक पहुंचने का, बात करने का। ये बहुत जोड़ी शायद देखा जाए व्यूअर्स तो ये सैजिटेरियस हो सकते हैं, धनु सैजिटेरियस धनु, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, मकर, पाइसेस मीन,
लियो यानी सिंह, ये अभी मुझे जोड़ियक शाइन यहां पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए इनका इरादा है कि उन्हें मौका चाहिए। अगर ये अब तक चुप थे, खामोश थे, इनका इरादा है, जितना आपकी फीलिंग्स है, जितना आपने ट्रू लव दिया है ना व्यूवर्स, तो कहीं ना कहीं इनको अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक मौका मिलना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन इस पर्सन के अंदर क्या है कि ये किसी, अगर आप भी कुछ बोल दोगे ना, तो इनको लगेगा कि हम मुझे कोई ऐसे कह नहीं सकता, मेरे ईगो को ठेस नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, मतलब अहम अहम टाइप का एनर्जी इस पर्सन में। ठीक है, इस पर्सन आप देखिए व्यूअर्स, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपके पहले या आपके बाद इनके लाइफ में कोई ऑप्शन ना रहे हो, दिया ऑप्शन रहे हैं भी, ये मैं क्लियर कर दूं, क्लियर है कि है भी। लेकिन इनको अब एहसास चला है उन काफी दोस्तों में आप एक हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। एकदम से इन्होंने बातचीत बंद कर दी क्योंकि इनके लाइफ में बहुत सारे दोस्त ऑप्शन आने लगे और इनको स्पेस चाहिए था, फ्लर्टिंग चाहिए था। लेकिन अभी देखा जाए तो ये पर्सन काफी सोच रहे हैं कि आपके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, क्या आप स्वीकार करोगे। इस तरह की एनर्जी, देखिए थॉट्स कैसे हैं इनके, कुछ के पार्टनर अभी भी वक्त ले रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, देखिए जी डियर, जिनकी अगर मैरिज हो चुकी है, मैं मुझे यहां बहुत स्ट्रांग वाइब्स आ रही है, अगर जिनकी मैरिज हो चुकी है ऑन ऑफ करेंगे लेकिन ये डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कोई आपको ऐसा प्रपोजल आ, रियल आपके लाइफ पार्टनर आ रहे हैं, तो आपकी एनर्जी है कि आप सोचोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, डिसाइड आपको करना, क्योंकि कंफ्यूज्ड हो आप अभी भी। यहां सोचने वाली बात है व्यूअर्स कि आपने इतना प्यार दिया, सोचने वाली बात है, और आपके पार्टनर मैरिड हो या अनमैरिड हो या फिर आपके अलावा उनके लाइफ में, तो इन पर विश्वास कैसे कोई कर सकता है यार, कैसे विश्वास कर सकता है कि इनका मन फिर बदल जाएगा। देखिए बाबू, मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग डिसीजन है कि बहुत लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है, तो मैं बोलूंगी यहाँ आपको डिसीजन लेना है। लाइफ में आपको चाहो तो आगे भी बढ़ सकते हो, यहाँ थोड़ा मुश्किल लग रहा है व्यूअर्स। अगर कोई आपको पसंद कर रहा है व्यूअर्स, तो आप सोच सकते हो, या फिर आपकी फैमिली पेरेंट्स कहीं मैरिज फिक्स कर रहे हैं, उधर भी आप सोच सकते हो। लेकिन कुछ व्यूअर्स आप डिसाइड करने वाले हो, डिसीजन लेने वाले हो, यहाँ पे कुछ मैं देख पा रही हूँ, कुछ व्यूअर्स डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जहां आप इस पर्सन को पाने के लिए इंतजार भी करना चाह रहे हो और माफ भी करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे बहुत लोग के लाइफ में न्यू बिगिनिंग होती हुई नजर आ रही है, सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, लेकिन क्लियरिटी अभी बिल्कुल नहीं आपके पार्टनर देंगे व्यूअर्स, क्योंकि उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल स्ट्रेस है, फैमिली है, बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे भी है, और यहाँ पे बहुत के पार्टनर ट्रेडिशनल हैं। देखिए इनमें ईगो भले ही हो, लेकिन इन कुछ के पार्टनर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, कोई शिव भक्त है, कोई बजरंगबली के भक्त है, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, कोई कृष्ण के भक्त है, लेकिन है। आप बहुत टेंस हो, ठीक है, वेट कर रहे हो, आप देख लेना व्यूअर्स, जो मैं इस एनर्जी को बता रही हूं, जिनकी मैरिज हो चुकी है, तो आप देख लेना व्यूअर्स, वक्त आने पर याद रखना कि आपको क्या मिलने वाला है, या उम्र चली जाएगी, वेट करते करते ऑन ऑफ रहेगा, और आप ऐसे अगर डिसीजन नहीं लोगे बाबू, तो आप ऐसे ही रह जाओगे। आपसे बातचीत अभी बंद मुझे दिख रहा है व्यूअर्स। देखिए इनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं रहा, आपको इन्होंने गालियां भी दी है, ठीक है, बदतमीजी से आपके साथ इन्होंने बस सुलुकी भी की है, आप पर इन्होंने हाथ उठाई है व्यूअर्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, देखिए उनकी पहचान और इमेज है व्यूअर्स, देखिए एकदम क्लियर नहीं है मैं जो बोल रही हूं यहाँ पे व्यूअर्स, ये तो मुझे लग रहा है कि आप डिसाइड करने वाले हो, लेकिन कुछ व्यूअर्स की एनर्जी मुझे अच्छी यहाँ पे नहीं दिख रही है, क्योंकि आप काफी वेट कर रहे हो और काफी वेट करो, लेकिन क्लियर हुआ आपको डिसीजन नहीं सुना पाएंगे। आप टाइम दे सकते हो,
काफी लंबे समय तक आपको ये इंतजार करा सकते हैं, तब जाकर डिसीजन होगा। प्यार है लेकिन क्यों क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं ये बताओ। फैमिली से डर रहे हैं, मैरिड है, पेरेंट्स इशू है, कुछ तो है। इसलिए मैं यहां की जो एनर्जी मुझे अच्छी नहीं दिख रही व्यूअर्स, ठीक है, बहुत निगेटिव एनर्जी है। शॉकिंग वाला बात है व्यूअर्स, शॉकिंग शॉकिंग। सिर्फ प्यार एहसास फीलिंग से क्या होता है, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, ये नहीं छोड़ रहे व्यूअर्स। मैं बोलूं, जिन्होंने मैरिज कर ली आपके पार्टनर ने, वो अपने पार्टनर को नहीं छोड़ रहे हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्यूचर में आपको लेकर चलेंगे, उसको भी लेकर चलेंगे, मतलब कि दोनों हाथ में लड्डू चाहिए आपके पार्टनर को। देखिए थर्ड पार्टी के बारे में भी ये सोचेंगे, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। बहुत लोग की रियूनियन हो रही है, हो भी चुकी है व्यूअर्स, ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग की रियूनियन होने वाली है, बहुत की हो चुकी है, बहुत जल्द होगी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो पॉलिटिक्स की भी एनर्जी आई है, तो थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए। कंफ्यूज आप भी यहां पे हो, कंफ्यूज, जहां कंफ्यूज की एनर्जी रहेगी कभी भी एक्शन नहीं होगा व्यूअर्स, ये हमेशा याद रखिए, वो डिले ही होगा। तो देखिए इनका इरादा तो क्या है, देखिए इरादा क्या है, रिश्ता निभाना है, दोस्ती निभाना है, गिल्ट वाली एनर्जी है, मैरिज कर ली है, थर्ड पार्टी है, फैमिली है, पेरेंट्स है, प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर में हम दोनों एक साथ रहेंगे, तो सबकी यहाँ कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन कुछ लोग की जो एनर्जी आई है ना व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे, दिल से यहाँ अच्छी मुझे नहीं लग रही है। और मुझे लग रहा कि अब आप डिसाइड करोगे, आपकी कमिटमेंट हो सकती है या फिर कोई नया प्रपोजल आने वाला है, उनको आप एक्सेप्ट करोगे, ऐसी भी एनर्जी है। लेकिन बाबू डिसीजन तो आपको लेना है ना, डिसाइड तो आपको करना है। आज भी आप इतना वेट कर रहे हो व्यूअर्स, आप देख लेना इस एनर्जी वाले को कभी व्यूअर्स। ये तो मिक्स है, कोई बात नहीं है, यहां तो कुछ ऐसे हैं कि यहां आपके पार्टनर जो है अनमैरिड भी है और मैरिड भी है, ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन ये भी क्लियरिटी नहीं दे रहे। लेकिन ये मैरिज वाले पार्टनर आपके तरफ दोस्त की तरह ऑन ऑफ करेंगे, लेकिन इस वक्त कोई डिसीजन नहीं सुनाएंगे व्यूअर्स, क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी अगर मैरिज इन्होंने कर लिया है तो 100% ये नहीं चाह रहे हैं छोड़ना, क्योंकि इनकी फैमिली बढ़ चुकी है, रिलेटिव रिश्तेदार बहुत बढ़ चुके हैं, इनके ऊपर बर्डन है, धमकी मिल सकती है, इनकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, इनकी फैमिली बर्बाद हो सकती है, तो इस तरह इनके थॉट्स हैं। हाँ, लेकिन आपके साथ छुपते छुपाते मिलना है, सोसाइटी समाज से अलग रखना है, मिलना है, आना है, जाना, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन आपको सोसाइटी समाज के सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसी एनर्जी है, डरते हैं आपके सामने आने से, लेकिन ये चाह रहे आपसे बात करें, जो भी गलतियां हुई एक दोस्त की तरह एक रिश्ते को निभाना है। प्यार है, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, उससे क्या आपका पेट भरेगा। सबको नेम चाहिए, सबको अपने पार्टनर के साथ सरनेम चाहिए, तो सरनेम लगने से ही तो कपल दिखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का सरनेम लगा हुआ आपके पार्टनर का, ये सरनेम आपको नहीं देंगे आपके पार्टनर, आपको अलग से रख सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन जो आप चाहोगे सोसाइटी समाज में आपकी मैरिज होना डाउट है व्यूअर्स। देख लीजिए इसी एनर्जी में आ रहा कि आप डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ है, कुछ भी करेंगे आपके साथ अच्छा करने वाले हैं, इतना आप जान लीजिए। अगर आप डिसाइड करते हो, डिसीजन लेते हो तो, ठीक है, आप हर कोशिश कर रहे हो ना, हर कोशिश आप कर रहे हो व्यूअर्स पाने की, बहुत एटीट्यूड इस पर्सन में रहा है, अभी भी है, पूरी तरह एटीट्यूड नहीं गया, वो तो आपका प्यार आपका इमोशन जो याद आता है जब इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। इन द सेंस ये इंसान तो मुझे यहाँ की बात बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही, लेकिन इधर की तब भी डियर, यहाँ की एनर्जी जो है ना फिर भी पॉजिटिव है,
ऑन ऑफ करते हैं लेकिन कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्यार करते हैं, फैमिली से बात कर रहे हैं, लेकिन जिसकी मैरिज हो गई उनकी नीयत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही व्यूअर्स, ठीक है। एरीस हो सकते हो आप या आपके पार्टनर, ठीक है। एक्वेरियस भी है, जेमिनी भी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस भी है, ये ज़ोडियक साइन भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इमोशंस है, प्यार है, यादें हैं जो आपने दिया है, लेकिन सोसाइटी, समाज, इमेज भी तो है, फैमिली भी तो है, तो इनको इस बात का डर है व्यूअर्स। एहसास है कि आप प्यार हो, आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन जब इन्होंने आपसे मुंह मोड़ा तब इनके लाइफ में कोई एंट्री किया था या फिर इन्होंने मैरिज कर लिया, और ये पहले से भी व्यूअर्स मैरिड थे, जो इनके बच्चे भी थे, लेकिन आपसे इन्होंने छुपाई। हो सकता है आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो या ऑफिस में मिले हो, ठीक है। तो देख रहे हो यहां पे, मुझे लग रहा है ना पॉलिटिक्स है आप लोग के रिश्ते में, झूठ है, फरेब है, चीटिंग है, तो डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कुछ लोग माफ करना चाह रहे हैं और कुछ लोग लाइफ में आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं। एज गैप काफी हो सकता है व्यूअर्स, ठीक है। यहां एज गैप में डिफरेंट बहुत है मेरे कुछ व्यूअर्स और आपके पार्टनर में, बहुत डिफरेंट है, काफी डिफरेंट। मुझे कुछ सबकी बात नहीं कि 20, 50 आपके पार्टनर अगर 50 हैं तो आप 44 हो सकते हो या 40 हो सकते, इस तरह के, मतलब एज में इतना गैप भी है व्यूअर्स आप लोग में, कुछ लोग का, सबकी बात नहीं कर रही हूं। जो प्यार करे निभाए भैया, वही रिश्ता है और वही फरिश्ता है। यहां तो कंफ्यूजन, यहां तो तब भी इस एनर्जी में अच्छी वाइब्स आ रही है, ट्रू लव है, एहसास है, ये चाह रहे कि फ्यूचर प्लानिंग करें, आपको अपना जीवन साथी बनाए, लेकिन इस एनर्जी में डाउट है, ईगो बहुत है, ईगो बहुत है, लेकिन इसीलिए तो लॉसेस से गुजर रहे हैं, काफी लॉसेस से ये पर्सन गुजर रहे हैं इस वक्त। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है व्यूअर्स, ठीक है। 2 से 3 घंटे का जर्नी हो सकता है या फिर काफी 1 डे का भी जर्नी हो सकता है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। देखिए कुछ तो ये बहुत स्ट्रांग प्लान कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा आप अगर पूछोगे भी ये लाइफ में आपके आ रहे हैं तो आप पूछोगे तो देखिए ये आपसे कैसे बात करेंगे, ये आप माइंड कीजिएगा। यहां सुनकर आप अपने सवाल रखिएगा पार्टनर के तरफ, अगर वो आते हैं बातचीत करते हैं तो फिर आपको जवाब क्या मिलता है। देखिए आपके पास आने से इनका विश्वास बढ़ता है, पीस मिलता है, मतलब आपसे खुशी मिलती है, एक अटैचमेंट, एक प्यार, जो अटैचमेंट है, जो अट्रैक्शन जो फील करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपसे करते हैं। देखिए माफी मांगना चाहते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं, रियर नो रिग्रेट है, पछतावा जरूर है, लेकिन आपसे ये माफी खुलकर नहीं मांगेंगे, मौका मांग रहे हैं। और जिस तरह आपसे इन्होंने बिहेवियर किया है ना, उनको डाउट है कि आप माफ करोगे। देखिए इनका इरादा कंफ्यूजन वाला है व्यूअर्स, ठीक है, ये भी दिख रहा है। तो देख लीजिए व्यूअर्स क्या कुछ हो रहा है, आपको डिसीजन लेना, कलेक्टिव रीडिंग है बाबू, तो डिसीजन लीजिए। रीयूनियन के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई तो बहुत स्ट्रांग डिसीजन ले रहा है व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत व्यूअर्स की एनर्जी, कोई बहुत स्ट्रांग आप लोग डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, गुड, वेरी गुड। लाइफ में आगे बढ़ना भी चाहिए, ग्रोथ, सक्सेस पर, बहुत लोग की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन इस मुखौटे से आपको बचना है। देख लीजिए किसकी एनर्जी है, मैच होती है तो जरूर कमेंट में लिखे, और ये पूछे जो मैंने बोला है आपको क्या जवाब मिलता है। तो इनका इरादा है कि आगे बढ़ना है, दोस्ती निभाना है, कुछ लोग का तो सही इरादा है, कुछ लोग का इरादा सही नहीं है व्यूअर्स, ठीक है। तो चलिए ये है आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन, उनके इरादे हुआ खुलासा। तो गाइड आपको अगर ये वीडियो रेजोनेट करता है व्यूअर्स तो जरूर कमेंट में लिखिए, ठीक है, और खुद पर काम कीजिए, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग, आपके साथ डिवाइन है, एंजल्स है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि उसने ऐसा किया वैसा किया,
सेल्फ लव ऐसा रास्ता है ना व्यूवर्स, अच्छे अच्छे को हिला देता है ना। आपके लाइफ में ग्रोथ तो होती है, लेकिन जो इंसान आपको चोट देता है, दर्द देता है, पेन देता है, इमेज आपका खराब करता है, यही सेल्फ लव बाबू आप लोग का लाइफ में सक्सेस और आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, मुझे एनर्जी बहुत अच्छी आ रही व्यूअर्स की कि कुछ आप डिसीजन लेने वाले हो। ठीक है, बहुत जल्द कुछ आपके तरफ अपने लाइफ को लेकर एक्शन लेने वाले हो। ठीक है, चलिए, तो वीडियो आपको कितना रेजोनेट किया बाबू जरूर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होता है ना, इसीलिए रेजोनेट करता है तो कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपना ध्यान भी रखें। ठीक है, अपनी एनर्जी बना के रखें, एनर्जी बहुत ज़्यादा इधर उधर ना दें। आपकी एनर्जी आपकी स्ट्रेंथ है, पावर है, आपकी ग्रोथ के लिए। चुप रहें, खामोश रहें और सारा कुछ देखें, और डिसीजन लेना है तो एकदम बिल्कुल सोच समझ कर डिसीजन लें। समय बहुत निकलता चला जा रहा है व्यूअर्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।